आज न्यूयॉर्क के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में प्रधानमंत्री का भाषण, मोदी के कार्यक्रम को लेकर जमकर उत्साह। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा मोदी का भाषण, मोदी को सुनने के लिए टिकट पहले से बुक। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता, 18,500 लोगों का टिकट का बंदोबस्त। 40,000 लोगों के जुटने की उम्मीद, मोदी के भाषण को लाइव दिखाने के लिए बड़ी तैयारी, न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर लगा बड़ा स्क्रीन। मोदी के सम्मान में आज रात भारत के राजदूत देंगे डिनर, न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय मूल के लोगों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। कल संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिया था करारा जवाब, कहा आतंकवाद छोड़े पाक तो हम द्विपक्षीय बातचीत को तैयार। संयुक्त राष्ट्र में दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आतंकवाद के माहौल में बातचीत संभव नहीं। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दिया दो टूक जवाब, कहा यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे इस पर कईयों को शक है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा भारत करे पहल तो हम बातचीत के लिए तैयार। सरताज अजीज ने माना हुर्रियत नेताओं से मुलाकात का समय था गलत, लेकिन बातचीत में उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। टाइमिंग गालिबन इस लिहाज से जरूरी थी उस वक्त, क्योंकि अभी सब्सटेंशियल नेगोशिएशन नहीं हो रहे थे। जो बुनियादी बात है कि हमें कहा गया कि आप अगर मिलेंगे तो डायलॉग ही नहीं होगा, तो कभी भी नहीं होगा कि हमने कभी भी ये बात नहीं माननी कि कश्मीरी लीडर से मुलाकात न करें। सरताज अजीज ने कहा बातचीत बंद करने का फैसला भारत का, अब उसे बहाल करने का जिम्मा भी भारत पर। कि वो जो मीटिंग उन्होंने कैंसिल की थी वो अब रीशेड्यूल करें कि जी अब कब होगी, और वो अगर हो जाए तो मामला डायलॉग शुरू हो जाएगा, क्योंकि यही बात है कि बातचीत जब तक शुरू नहीं होगी उस तक ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे। अमेरिका में युवाओं पर चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू, न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में मोदी को सुनने उमड़ी भारी भीड़। सेंट्रल पार्क में मोदी ने युवाओं में भरा जोश, कहा आप हमारे भविष्य हो, आप ही हमारा कल तय करेंगे। Among the youth, because you are the future, what you do today will decide our tomorrow. मोदी ने न्यूयॉर्क को बताया ग्रेट सिटी, कहा मुझे ओपन पार्क में आकर मिली खुशी, मोदी की हर बातों पर युवाओं ने बजाई ताली। सेंट्रल पार्क में गीत संगीत के बीच पहुंचे थे मोदी, मोदी ने युवाओं को आखिर में संस्कृत के श्लोक भी सुनाए। हिंदुस्तान के एमईए ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा मोदी का भाषण एक स्टेटमेंट की तरह पूरी दुनिया की समस्याओं का जिक्र। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा आरोप, कहा मधुबनी में मंदिर जाने पर छुआछूत का हुआ शिकार। मांझी के मुताबिक वो बतौर मुख्यमंत्री मंदिर में दर्शन के लिए गए थे, लेकिन पूजा के बाद लोगों ने मंदिर और मूर्ति को धोया। मांझी ने कहा लोगों ने पूरे मंदिर परिसर को महज इसलिए साफ किया क्योंकि वो दलित वर्ग से आते हैं। मांझी के मुताबिक मंत्रिमंडल में शामिल एक और दलित मंत्री ने दी इस वाक्य की सूचना, जानकर हुई हैरत। मांझी ने कहा छुआछूत करने वाले कुछ उच्च वर्ग के ऐसे ही लोग काम के वक्त होते हैं दंडवत, पर छूने से भी नहीं करते परहेज। जस्टिस एच एल दत्तू बने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ, 2 दिसंबर 2015 तक होगा दत्तू का कार्यकाल। 42वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस दत्तू, चीफ जस्टिस आर एम लोढ़ा के रिटायरमेंट के बाद बने सीजेआई, 2008 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे दत्तू। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना,
नागथाने से शिवसेना उम्मीदवार प्रकाश सुर्वे ने दिया नारा, मराठी मानुष भड़कला भगवा फड़कला। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में जुटे गडकरी, कहा राज्य ने देख ली गठबंधन सरकार, अब केंद्र की तर्ज पर एक पार्टी को मिलेगा बहुमत। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का बयान, महाराष्ट्र में 257 सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, छोटे घटक दलों को दी 31 सीटें। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू, कैबिनेट के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र 15 अक्टूबर को होना विधानसभा चुनाव, बीड लोकसभा सीट पर भी इसी दिन उपचुनाव में डाले जाएंगे वोट। बीजेपी से अलग होने के बाद कल उद्धव ठाकरे की मुंबई में हुई पहली रैली, बोले मेरे कारण नहीं टूटा गठबंधन, किया दावा शिवसेना का होगा अगला सीएम। उद्धव ठाकरे ने अपनी रैली में मोदी पर किया हमला, कहा आप दिल्ली की सत्ता संभालें, हमें महाराष्ट्र में शासन चलाने दें। मनसे उद्धव ने किया ऐलान, कहा गोपीनाथ मुंडे की दोनों बेटियों के खिलाफ नहीं उतारेंगे उम्मीदवार, महाजन परिवार से हमारा सदैव अच्छा संबंध। आज तक से बोले पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, महाराष्ट्र का सीएम बनना है ख्वाहिश, पहली बार हिंदी में दिया इंटरव्यू। विधायक को ऐसा लगता है कि स्टेट मिनिस्टर बनना चाहिए, स्टेट मिनिस्टर को ऐसा लगता है मिनिस्टर बनना चाहिए कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, डिप्यूटी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को लगता है चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, क्या गलत है क्या? अजीत पवार ने कहा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हैं अच्छे ताल्लुकात, बोले सियासी प्रतिद्वंद्विता का व्यक्तिगत रिश्तों पर नहीं होता असर। महाराष्ट्र बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर का दावा, बीजेपी को मिलेगा बहुमत। ओम माथुर ने कहा शिवसेना पर नहीं करेंगे टिप्पणी, कांग्रेस एनसीपी का भ्रष्टाचार होगा मुख्य मुद्दा। दिल्ली के मंदिर मार्ग पर वाल्मीकि बस्ती में जोर शोर से हो रही है स्वच्छता अभियान की तैयारी, 2 अक्टूबर को पीएम मोदी यहां से करेंगे सफाई अभियान की शुरुआत। एनडीएमसी ने इलाके को साफ सफाई और रंग रोगन कर चमकाया, साफ सुथरे इलाके में चलेगा पीएम का झाड़ू। पूर्व मंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया का परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर आरोप, का ई रिक्शा के मुद्दे पर 5 लाख परिवारों को दे रहे हैं धोखा। मनीष ने स्वच्छता अभियान पर कसा तंज, कहा गडकरी ने 10 दिन में पॉलिसी बनाने का किया था वादा, लगता है पॉलिसी के पेपर भी पर भी लग गई है झाड़ू। कहाँ व्यस्त हैं, मोदी जी ने कहा है झाड़ू लगाओ तो सब लोग झाड़ू लगा रहे हैं, तो हो सकता है जिस कागज पे लिख के रखा हो कि 10 दिन में पॉलिसी बनानी है उस पर भी झाड़ू लगा दियो। महाराष्ट्र पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता वीरेंद्र बख्शी बीजेपी में शामिल, अमित शाह के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवसेना के महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन तोड़ने पर बोले शरद यादव, कहा एनडीए की प्रासंगिकता अब नाम मात्र की। अब एनडीए बचा कहाँ है, एनडीए कहीं है तो है नहीं, यानी एनडीए का नाम नाम भर है, बाकी उसका उसमें हिस्सेदारी का कोई मायने अब नहीं है। हरियाणा चुनाव में जीत के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने किया हवन, दिल्ली के कांग्रेस नेता सज्जन कुमार भी रहे मौजूद। भूपेंद्र हुड्डा का बीजेपी परिवार, बोले 3 महीने में जनता ने देख लिया अच्छे दिन का हाल, आलू प्याज टमाटर खरीदना हुआ मुहाल। हुड्डा बोले पाकिस्तान और चीन को भी मोदी सरकार नहीं दे सकी माकूल जवाब, कहा सोनिया क्या की सुझाई दवा पॉलिसी बदलने से दवाइयां हुई महंगी। हुड्डा ने फिर ओम प्रकाश चौटाला पर साधा निशाना, कहा जेल में सीएम पद की शपथ के बजाय बिना चुनाव लड़े बना ले कैदियों की कैबिनेट। जेल में अगर तने शपथ लेनी है तो फिर विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए तो भाई वो कैदियों की विधानसभा बना ले, वही चुनाव कर ले। दिल्ली में बीती रात रफ्तार का कहर, रेंज रोवर कार ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचला, युवक की मौके पर मौत। कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के पास हुआ हादसा, हादसे के समय कार में सवार थे 2 लोग, समय रहते एयरबैग खुलने से बची जान। यूपी के बलिया में सड़क हादसा, हादसे में 6 लोगों की मौत।
अमृतसर में पाकिस्तान से सटी सीमा के पास से करीब 169 किलो हेरोइन बरामद। फ्लड लाइट लाइन के पास बीएसएफ को 2 पैकेट में मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 1.5 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में 29 दिन के भीतर सजा, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। दिल्ली में महाराजा अग्रसेन अस्पताल में भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अग्रसेन की प्रतिमा का किया अनावरण। राजनाथ ने 35 सालों में चीन और अमेरिका से जीडीपी की जताई उम्मीद, द स्टोरी ऑफ इंडिया सीरियल का दिया हवाला। और उस सीरियल का नाम था द स्टोरी ऑफ इंडिया, और उसमें है उस सीरियल का यह था कि हिंदुस्तान की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पादन चीन और अमेरिका से भी अधिक हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी अग्रसेन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, पीएम मोदी का किया गुणगान, यूएन के भाषण को बताया ऐतिहासिक। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ऐतिहासिक भाषण दिया है जो खाली भारतवासियों के लिए ही नहीं अपितु सारे संसार के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है।